सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बड़ी खरीदारी करना चाहती हूँ मैं। आप कौन से शेयर्स खरीदना चाहती हैं खातून? इस सारी रकम से शिपिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। जिन दिनों आप आराम फरमा रहे थे, महमूद पाशा ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अतिये में जमा शुदा रकम से स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स खरीदे हैं। इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। लगता है ये डिजाइन किसी रिसाले में देखा है आपने। सारे नौजवानों को जमा करो और कार्रवाई शुरू कर दो। सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने जितने झूठ कहे हैं, एक के बाद एक सच साबित हो जाएं। आपके पास कल तक की मोहलत है बिदार खातून। महमूद पाशा के लिए भी यही आखिरी मौका है। वो लोग अंदर एक बम बना रहे हैं। एक बड़ा सा बक्सा है जिसमें बारूद भरा हुआ है और उनकी रहनुमाई कर रहा है हिरम। अपनी जिंदगी और रियासत की हिफाजत के लिए तुम्हें इजाजत है इस्तेमाल की। लो। गोदाम में एक मुलाजमा को छुरी मारी गई थी। हाँ तो वो मरी नहीं, सबातीन जिंदा है। सबातीन जब यहाँ आए तो आप उसे उस खादिमा का पता बताएंगे अब्दुल कादिर। लेकिन हमें तो उसका पता सबसे छुपा कर रखना था। वो बात तो सही है, लेकिन हमें ये भी मालूम करना है कि सिनेहा इस मामले में मुलव्वस है या नहीं। तुम लोगों ने कहा कोई बाहर नहीं आया। वो देखो वहां भी एक दरवाजा है। हर तरफ तलाशी लो। वो हिरम फिर बच निकला। ये क्या है? नक्शा है ये। उठाओ, सब जमा करो, जल्दी जल्दी। ये तो रेलवे की जगह मालूम होती है। किसी खास जगह की निशानदेही है क्या? नहीं। फिर उन्हें सिर केजी से इधरने तक तलाश करना होगा हमें। यहां कोई भी नहीं है जनाब। महल में जाकर खबर दो, रेलवे लाइन के अतराफ धमाका होने का खतरा है। जैसा आपका हुक्म जनाब। जल्दी जाओ, हम घोड़ों पर रेलवे ट्रैक तक जाएंगे, वहां कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। बम फटने से पहले उन्हें पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। समीर साहब ने जो मजमून लिखा है वो किस अखबार में है? मुखबिर अखबार में, ये लीजिए। मुखबिर अखबार है तुम्हारे पास? क्यों नहीं है जनाब, इस अखबार का जमीमा भी है, वो भी दे दूं? दे दो दे दो, दोनों दे दो। जमीमा आ गया, खुसूसी जमीमा आ गया, ताजा खबर। स-
سمیر افندی کے خون کا حساب لینے کے لیے ہم نماز عصر سے پہلے نوری عثمانی جامع مسجد کے باغ میں جمع ہو رہے ہیں. تم نے یہ انتظام کیا؟ نہیں, یہ جگہ ہمارے نوجوانوں نے خود منتخب کی ہے, تمام انتظامات بھی خود کیے ہیں. اعلی, آپ کیسے نکلے محل سے؟ سلطان کی اجازت سے نکلا, ہرزل سے ملنے جا رہا ہوں. میرے پاس آپ کے لیے ایک بری خبر ہے. وہ کیا؟ جس لڑکی کو آپ نے چھری ماری تھی, ہاں, زندہ ہے وہ. کیسے؟ بیدار خاتون والدہ کو کسی اسپتال لے کر گئی تھی, وہاں ہے وہ لڑکی. میں پہلے ہی اتنے سارے مسائل کا مقابلہ کر رہا ہوں, اب نہ جانے کہاں سے اس کھیل میں بھوت بھی شامل ہونے شروع ہو گئے. دیکھو سباتین, اب تک ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن اگر اس موٹی نے اپنا منہ کھول دیا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی. فکر مت کریں آپ, والدہ بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھتی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عبدالقادر سے ملوں اور اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کروں, اسے اغوا کرنا چاہتی ہیں وہ. مجھے سزا سے بچانے کے لیے سنہا نے لڑکی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کیا. سباتین, اب ہم ایک حقیقی گھرانہ بن گئے ہیں. یہ بات نہیں ہے, بیدار نے انہیں دھمکی دی ہے, وہ یہ سب بیدار سے خود کو بچانے کے لیے کر رہی ہیں. تو کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے مجھے, تم بس اس منصوبے میں اپنی ماں کی پوری مدد کرو. چلو کام پر واپس جاؤ. اگر اسے اغوا کر بھی لیا اس کے بعد کیا کریں گے؟ سباتین, وہ لڑکی جب تک زندہ رہے گی تمہارے بابا کے سر پر لات پھانسی کا پھندا لیے کھڑا رہے گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جناب ہرزل, سلطان نے اگر آپ کا تعاقب کروایا ہوگا تو ہم بہت آسانی سے پکڑے جائیں گے. اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سلطان عبدالحمید جب شیر کے شکار پر جاتے ہیں تو تم نہیں پکڑتے بلکہ سامنے سے اس کی گردن دبوچ لیتے ہیں. تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہمیں فوری فیصلہ کر کے کاروائی شروع کرنے کی ضرورت ہے. اسٹاک میں رقم تیار ہے, جلد سلطان کا سرمایہ ہمارے پاس ہوگا. اعلی, لیکن ہمیں یہ ہیرا پھیری اچانک کرنی ہوگی. میں نے انتظام کر لیا ہے, جو ٹرین رومیلی ریلوے کی مشین لا رہی ہے, ہیرم اسے بوم سے اڑا دے گا. اعلی, بوم جیسے ہی پھٹے گا تو رومیلی کے شیئرز کی قیمت گر جائے گی اور پھر ہم مل کر انہیں مات دے دیں گے. ہیرم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے سمیر پر عبدالحمید کے جاسوس کے بیس میں گولی چلوائی ہے تو لبا کی بغاوت کے لیے. یقین کیجئے, نتیجے کو دیکھ کر آپ بے ساختہ میرے منصوبے کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور ہاں, اندر موجود آزادی کے متوالے کو میرا سلام کہنا مت بھولیے گا جناب ہرزل. ٹھیک ہے, لیکن ایک کی قربانی سے آزادی حاصل نہیں ہوتی, ہمیں بہت ساری جانوں کی ضرورت ہے. بالکل جناب ہرزل, بالکل. طالب علم جب ہاتھ لہراتے ہوئے مجمع کی شکل میں سڑکوں پر نکلیں گے تو اس وقت دیکھیے گا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت خون کو اس سرزمین پر بہنے سے نہیں روک سکے گی. دیکھ رہا ہوں ہر جگہ یہی آواز ہے, سارے اخبارات بھرے پڑے ہیں, سرخیاں چھپی ہوئی ہیں, نوجوان انتہائی غصے میں ہیں. بہت اچھا ہے, یہ بہترین جا رہا ہے. ہولی سلطان نہیں چاہیے ہمیں, صرف آزادی چاہیے. ہولی سلطان نہیں چاہیے ہمیں, صرف آزادی چاہیے. ہولی سلطان نہیں چاہیے ہمیں, صرف آزادی چاہیے. ہولی سلطان مرداباد, ہمیں آزادی چاہیے.
सुल्तान मुर्दाबाद, हमें आजादी चाहिए। अगर सुल्तान नहीं रहेगा तो रियासत भी नहीं रहेगी। अच्छा, ये बात है। जाओ बाबा, अपना काम करो। सुल्तान का चमचा, हमें आजादी चाहिए। पूरी सुल्तान मुर्दाबाद, हमें आजादी चाहिए। पूरी सुल्तान मुर्दाबाद। इतनी देर क्यों हो गई? वालिदा ने रोक लिया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जरा सांस ले लूं। कहिए, क्यों बुलाया आपने मुझे? समीर, याद है आपको? हाँ। आसन के पास एक तस्वीर मिली थी हमें, जिसमें वो दोनों किसी जगह खड़े हुए थे। समीर से मिलवाने का वादा किया उनसे, लेकिन डरते हैं हम। समीर को ला नहीं सकते तो डरते क्यों हैं? अगर वो दोनों मियां बीवी हुए? समीर की शादी नहीं हुई, वो लड़की उसकी बहन है और समीर को गोली मार दी गई है। मेरे भाई, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी हमें। कि समीर को गोली मार दी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कि समीर उनका भाई है। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। काश आप भी मेरी परेशानी दूर कर दें शहजादे। गोदाम में जिस लड़की को छुरी मारी गई थी वो जिंदा है, बिदार सुल्तान की निगरानी में है। मेरी वालिदा फिक्रमंद है, अस्पताल कैसा है, सहूलियात है या नहीं, क्या उस लड़की की जान बचा सकेंगे? बेफिक्र हो जाएं आप, वो लड़की निशानताशी हॉस्पिटल में दाखिल है और अब काफी बेहतर भी है। ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने। मेरी वालिदा जैसे ये खबर सुनेंगी खुश हो जाएंगी शहजादे। आपका शुक्रिया। उसे पता बताया आपने? दौड़ता हुआ गया है, देखा होगा आपने। देखते हैं वो पीछे आती है या नहीं। मगर जब सुल्तान बीमार थे तो उसने मुराद अफंदी को तख्त नशीनी के लिए राजी करने की कोशिश की थी। सुल्तान, हम अमनो अमान चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हलूक। तालिब इल्म हो? जी, मेडिकल के स्टूडेंट हूं। तुम्हारा कॉलेज किसने कायम किया था? और तुम? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूं मेरे सुल्तान। तकनीकी काबिलियत बढ़ाने के लिए यह कॉलेज किसने कायम किया बेटा, जानते भी हो कुछ? साबिका सलातीन के दौर में कितने अखबारात शाया हुआ करते थे और अब कितने होते हैं? इस्तांबुल से बर्लिन का सफर कितने दिनों में तय होता था, अब सिर्फ 3 दिन लगते हैं। आजादी चाहते हैं? क्या आजाद नहीं है आप? आज हमारे दौरे हुकूमत में अपनी मस्जिद में जा सकते हैं आप, और जो गिरजाघर जाना चाहते हैं आजाद हैं, वो भी तुर्क, कुर्द, बोस्नियाई, अल्बानवी, रूमी, अर्मेनी, चारकेजी। क्या किसी कौम को हमारी वजह से नुकसान पहुंचा? जो लोग आपको आजादी के नाम पर उकसा रहे हैं वो बगावत चाहते हैं, फसाद चाहते हैं, रियासत का जवाल चाहते हैं, हमारी 600 साल पुरानी रियासत खत्म करना चाहते हैं। आपके तालीमी इदारे कौम की खुशहाली के लिए हैं, वो नहीं चाहते कि आप तालीम हासिल करें। आपको सड़कों पर लाना चाहते हैं वो। हमारे दौरे हुकूमत में किसी मुजरिम की भी जान नहीं ली गई, सहाफी तो बहुत दूर की बात है। बताइए, तब सड़कों पर क्यों नहीं आए जब मगरबी गुलामों ने आपके सुल्तान की जान लेने की कोशिश की थी?
आप सब नौजवान हमें बहुत अजीज हैं। आप सब लोग अपनी रियासत की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए अपनी पूरी तवज्जो तालीम हासिल करने पर मरकूज कीजिए। याद रखें, चार उसूलों में से एक भी तर्क कर दिया अगर तो रियासत गिर जाएगी। दीन इस्लाम, अपनी सल्तनत का मुकम्मल राज, हुकूमत तुर्की, वाया तख्त इस्तंबोल। सुल्ताने मौसम जिंदाबाद, सुल्ताने मौसम जिंदाबाद, सुल्ताने मौसम जिंदाबाद, सुल्ताने मौसम जिंदाबाद। अजान की लाजवाब पुकार इस परचम पर साया फिगन रहेगी। हैया अल फलाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई मालूमात मिली उनके बारे में? जी, अच्छी खबर है हमारे लिए, आप भी खुश हो जाएंगी। तो बताइए। तस्वीर वाला शख्स आपका भाई है, नाम है समीर। समीर, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? एक आवाज याद आई मुझे, मैंने एक आदमी देखा और वो उस वक्त बेचैन लग रहा था। और याद आया मुझे, एक आदमी समीर मलिके को आवाजें दे रहा था। वो कुछ और नहीं, बस इतना ही याद है मुझे, सिर्फ एक आवाज मलिके। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, सुल्तान के बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे हम। दुआ करेंगे सुल्ताना, हम और कर भी क्या सकते हैं। सुल्ताने मौजम, कप्तान जलाल ने मुझे यहाँ भेजा है। सूरत हाल क्या है? हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो लोग भाग चुके थे। सुराग मिला कोई? कुछ नक्शे मिले हैं मेरे सुल्तान। किस जगह की निशानदेही है? रुमेली ट्रेन की पटरियों की। तहसीन पाशा, फातिमा पसंद भी उसी ट्रेन में आ रही हैं। होशियार, सड़कों की क्या सूरत हाल है? तालिबेन तो सड़कों पर नहीं है मेरे सुल्तान, लेकिन मुझे अभी भी डर है। असर की नमाज हमने तुलबा के साथ ही अदा की है। आपका भी जिक्र किया कुछ तुलबा ने वहां, काफी तुलबा जानते हैं आपको। जरूर जानते होंगे, मैंने कुछ लेक्चर्स इंपीरियल यूनिवर्सिटी में दिए हैं, मुमकिन है कि वो मेरे तालिबेन हो। ठीक कहा आपने, यही वजह होगी। क्या उस बम के बारे में मालूमात हासिल हुई आपको? कुछ खबरें मिली तो हैं, मगर वसूख से नहीं कह सकता। कल मैं मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा मेरे सुल्तान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई अहमियत है। महमूद अफंदी, इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे। महमूद अफंदी, हमें कोई अहम बात बताइए ताकि आप बेकसूर साबित हों और दोबारा पाशा बन जाए। सुल्तान मौजम, मैंने बॉम्ब कहां इस्तेमाल किया जा सकता है उसका अपने तौर पर कुछ हिसाब लगाया है। बताइए। मेरे ख्याल में
रुमेली रेलवे की गुजरगाह पर किसी मकाम पर यह बॉम्ब लगाया जा सकता है, लेकिन मैं फिलहाल जगह का तायुन नहीं कर सका हूं। वहां पर क्यों? वो जो हिरम है ना, उसे पता चल गया है कि मैंने अतीय की रकम से रुमेली रेलवे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। वो स्टॉक मार्केट में अदम इस्तेहकाम पैदा करके कुछ रकम कमाने का इरादा रखता है, इसलिए नई मशीनें ले जाने वाली ट्रेन को पाया तख्त के करीब ही तबाह करना चाहता होगा। फातिमा पसंद भी उसी ट्रेन से आ रही हैं, महमूद पाशा। जल्दी चलो यूसुफ, जल्दी। अगर वो बॉम्ब फट गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अभी कौन सा दिखा सकते हैं? उस खबीस हिरम को उस दिन हमें भागने ही नहीं देना चाहिए था। कुछ बताया शहजादे ने? जी बताया, निशानताशी अस्पताल में है वो, लेकिन उसे अगवा कैसे करेंगे वारिदा? बीमार है वो लड़की। हमारा खादिम मदद करेगा, डॉक्टर भी आ जाएगा, हम उसका इलाज जारी रखेंगे यहाँ। चलिए। क्या कहा? मैं भी साथ चलूँ आपके? जी आप भी साथ चलेंगे हमारे, चलिए। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। सूरज चमकने से पहले ही बॉम्ब चमकेगा, सब कुछ फना हो जाएगा। आखिर तुम यहाँ करासू को क्यों लाए? वो कह रहा था तुम्हें भूल नहीं सकता मैं। अपने मतलब के बगैर तो तुम किसी की भी मदद नहीं करते हरसल। मैंने बाबा के लिए भी यही किया था। कैसे? बाबा का इंतकाल नहीं हुआ, वो जिंदा है, लेकिन मुझे इसे छुपाना है क्योंकि वो यहूदी मकासिद को नुकसान पहुंचा रहे थे। कारासू ने धमकी दी थी कि वो वालिदा को सब कुछ बता देगा। तुम्हें धमकाना इतना आसान नहीं है मिस्टर हर्सल। तुम जानते हो कारासू मेरा पुराना दोस्त है, मुझे पसंद है, होशियार और कारामत इंसान है। तुम्हारा उसे यहाँ लाने का मकसद है कि वो तुम्हारा एहसान मंद रहे और वक्त आने पर तुम उससे इस्तेफादा कर सको। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मुमकिन था कि एक दिन? नामुमकिन। वो क्यों? क्योंकि ताकत के हुसूल के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, शर्फ, नामूस और अखलाक, एक एक करके सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। और मैंने यही किया। गुलफम, क्या हमारे लिए कोई खत आया है? आपको इंतजार है क्या शहजादी? नहीं तो। ये हवा हमारा गम दूर कर देगी इंशाल्लाह।
कमालुद्दीन पाशा को आपका हुक्म पहुंचा दिया गया है। दीगर पाशा हजरात भी हाजिर हो जाएंगे मेरे सुल्तान। उस डब्बे में से तमगा निकाल लें तहसीन पाशा। महमूद पाशा को भी तलब कीजिए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आप बीमार हो जाएंगी, हम तो पहले ही बीमार हैं, और ये हवा न जाने हमारे गम की आग बुझाने के लिए है या और भड़काने के लिए। अंदर चलिए, आपको सर्दी लग जाएगी। ये आग बुझने से पहले नहीं आसिम। कैसी आग नाई में सुल्तान? इश्क की आग, इश्क की। हवाएं कुछ भी नहीं कर सकती मेरी सुल्ताना, मेरी बात मानिए और अंदर चलिए आप। हमने उन्हें एक खत लिखा था, जवाब तक नहीं दिया, और हमने जिस बात में आकर सब बयान कर दिया, उनके सामने अपने दिल का हाल खुलकर बयान कर दिया। कितनी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। कौन है वो? कौन है? कमालुद्दीन। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। तहसीन पाशा, ये तमगा मेरे सुल्तान ने उतारा था, सुल्तान ही वापस देंगे। बेहतर है कि तमगा इसी तरह कबूल कर ले महमूद पाशा। तहसीन पाशा, सुल्तान मुअज्जम ने तालिबे इल्मों के मुजाहरे को रोकने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया? उसी अखबार में शाम की इजाफी खबर शाया करके। यकीन कीजिए, मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिया। माहिराना सियासत और हकीकी फरासत उनकी खासियत है। दुश्मन भी काश उनसे कुछ सीख लें। बिल्कुल। शाबाश, और तेज दौड़ो मेरे घोड़े, इंशाल्लाह वो अपने जाल में खुद ही फंस जाएंगे। इंशाल्लाह उमर, इंशाल्लाह। यहाँ हमारा इंतजार कीजिए, हम अस्पताल देख कर आते हैं। अगर वहां कोई ना हुआ तो हम उस लड़की को अगवा कर लेंगे। ठीक है वालिदा। ना, ये फूल मिल गया है, दर्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हम करीब पहुंच गए क्या? जल्द इस्तांबुल में होंगे। धमाके की आवाज तुम्हें जगा देगी।
गलत। आपके शौहर की गद्दारी तो कबूल कर सकती थी, लेकिन आपके धोखे ने तो हमें हैरान कर दिया है स्नेहा सुल्तान। आज हमें यकीन हो गया कि आप भी अपने शौहर की तरह हैं। सब लोग घोड़ों की तरफ जाओ, पकड़ो उस हिरन को, जल्दी चलो जल्दी। उमर बचो, दरख्तों के पीछे छुपो जल्दी, तुम भी जाओ जल्दी, ख्याल रखना। तुम सब खुद को हमारे हवाले कर दो। आज तुम यहां से बच के भाग नहीं सकते।
आज मुकद्दर में कामयाबी है। मुझे ताकत दे मेरे अल्लाह, दुश्मन मेरे निशाने पर है। एक अहम पैगाम आया है पाशा। क्या पैगाम है पाशा? खुद पढ़िए पाशा। छतीलीजा से आने वाली ट्रेन को तबाह कर दिया गया है। मैं धमाका नहीं देख पाई। यह नजारा देखने के लिए तुम्हें सोना नहीं चाहिए था सारा। बारूद, आग और धुआं, इसमें नजारा कहाँ है? इससे अब्दुल हमीद को तकलीफ पहुंचेगी। ये धुआं उस्मानियों को भी ले उड़ा। इस धमाके के साथ ही रेलवे के शेयर्स की कीमत गिर जाएगी और हमारे कंपनी की बढ़ जाएगी। सुल्तान के पैसों में स्टॉक मार्केट में गबन करने के बाद हर्जल, अब फरोख्त करने का वक्त आ गया है। मैंने अगर यहूदी बैंक कायम कर दिया तो खुद के लिए मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। क्यों ना जश्न मनाया जाए? क्यों नहीं हर्जल, क्यों नहीं? अजीम यहूदी रियासत की तरफ चलो। आ जाइए मलिका। अब मजीद कोई खतरा नहीं, आपकी सवारी आपकी मुंतजिर है। आइए पाए तख्त के लिए रवाना होते हैं। इस हादसे के पीछे कौन हो सकता है? अगर सुल्तान इजाजत दें तो हम इसकी तहकीकात करना चाहते हैं। इसकी जरूरत नहीं पाशा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह महमूद पाशा को सलामत रखे, जिन्होंने हादसे से पहले हम तक खबर पहुंचाई कि ट्रेन पर हमले का मंसूबा बनाया गया है। यह तो मेरा फर्ज था मेरे सुल्तान, इस हमले को रोकना भी मेरा फर्ज था, लेकिन अफसोस कि मैं रोक नहीं सका। फिक्र मत करें पाशा। मगर मेरे सुल्तान, धमाके की तस्दीक तो हो गई है। हमला खाली ट्रेन पर हुआ है पाशा। हमें इत्तला मिली कि ट्रेन पर हमला होने वाला है, लेकिन हमले का मकाम मालूम नहीं था, इसलिए कमालुद्दीन पाशा को तलब किया हमने। हमें नहीं मालूम कि बॉम्ब कहां है, उसे कैसे रोकेंगे हम? एक तार भेज दिया है, ट्रेन छतीरीजा स्टेशन पर इंतजार कर रही है, 60 किलोमीटर के फासले पर। 60 किलोमीटर का फासला है और कैप्टन जलाल उसका सुराग लगा रहे हैं, लेकिन उसे तलाश करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मनों ने उस बम को छुपाया हुआ होगा और वो दूर से धमाका करेंगे। हम कुर्बानी देंगे कमालुद्दीन। कैसी कुर्बानी? कुर्बानी देंगे खाली ट्रेन की। एक ट्रेन सिरकेजी के करीब रुकेगी जो कोयले से भरी हुई होगी, उसे खाली किया जाएगा। तुम छतलीजा स्टेशन जाओगे और मेरी अहलिया और उनके साथ दूसरे लोगों को बाहिफाजत यहां लाओगे। जैसा आपका हुक्म। हमने कुर्बानी दी एक खाली ट्रेन की, ताकि बहुत सी जानें बच सकें। मेरे सुल्तान, वो आपकी अहलिया से क्या चाहते हैं? उन्होंने ये खेल क्यों खेला? ये अहलिया की वजह से नहीं था पाशा, वजह उस ट्रेन में आने वाली रुमेली रेल की मशीनें थी।
अगर इस ट्रेन को धमाके में नुकसान पहुंचता तो मशीनें तो तबाह होती ही, स्टॉक मार्केट में शेयर्स भी गिर जाते हमारे। इस तरह शेयर्स पर लगाई गई हमारी रकम की कदर कम हो जाती, जिसका फायदा हमारे दुश्मन उठाते। हमारे खानदान और रेल की मशीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद पाशा ने अतिया की रकम से जो शेयर्स खरीदे थे उनकी कदर मुस्तहकम है। वो अपने जाल में खुद ही फंस गए मेरे सुल्तान। शुक्र है अल्लाह का। हम पर हमला करने वालों को मालूम होना चाहिए, इंसाफ करने वाले अल्लाह ने जालिमों से इंतकाम लेने के लिए हमें मुंतखब किया है। शुक्र शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। वो लड़की कहाँ है? वो बिल्कुल सलामत है, फिक्र मत करें आप। लेकिन अच्छा हुआ कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना आप तो उसे खामोश कर देती। नहीं बेदार खातून, हम सिर्फ उस लड़की को बेहतर देखभाल के लिए ले जाना चाहते थे। अब बस भी कीजिए सनेहा सुल्तान, ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि आप उस लड़की को खामोश करने आई थी यहाँ। आप आखिर कैसे अपने भाई के साथ गद्दारी कर सकती हैं? महमूद पाशा ऐसी खताएं कर सकते हैं, लेकिन आप, हमें देखकर बहुत दुख हुआ कि आप भी उनकी शरीक बन चुकी हैं। सुल्तान ये सब सुनकर बहुत रंजीदा होंगे। बात सुनिए विदार खातून, हमने हमेशा सुल्तान की भलाई ही चाही है। तो फिर क्या वजह थी कि जब हमारे सुल्तान बीमार थे तब आप मुराद अफंदी को तख्त पर बिठाने की कोशिश में लगी थी सनेहा सुल्तान? आपको इन सब बातों का जवाब देना होगा सुल्तान के सामने। चलिए हम सुल्तान के सामने पेश होने जा रहे हैं। मैं सरकेजी से ही आ रहा हूं अफंदी। धमाका गालिबन किसी कान में हुआ था, ट्रेन और उस पर आने वाला सामान बिल्कुल महफूज है। कल यहाँ आकर सुल्तान को आप सब कुछ खुद बताएंगी सनेहा सुल्तान, वरना आपको जबरदस्ती यहाँ लाया जाएगा। तो ये इस्तीफे इस बात का सबूत होंगे कि तुम्हारा हमारी इस रियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। तुम एक फहरिस्त बनाओगे, मौत की फहरिस्त जो पाए तख्त के सुकून को बर्बाद कर देगी। मौत का नाम सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। उस फहरिस्त में एक नाम का इजाफा मैं करूंगा। सारा हिदया इस्तांबुल में है, आप इसे हमारे हुजूर पेश करेंगे।